खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है। एक युवक से ट्रक का टायर टकरा गया और बताया जा रहा है ट्रक से टायर निकलकर ये युवक से टकराया टायर। सड़क पर दरअसल युवक पैदल जा रहा था और उसी दौरान जो ट्रक वहां से गुजर रहा था उस ट्रक का टायर निकला और वो टायर युवक को लगा। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक से टकराने के बाद टायर खेत में घुसा, फेंसिंग तोड़ते हुए ये ट्रक का टायर खेत में घुस गया। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश हमारे संवाददाता से, हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, दुखद हादसा हुआ है, युवक की मौत हुई है, क्या है पूरा घटनाक्रम? जिस तरीके से ये ट्रेलर ट्रक ट्रेलर है और ये खैरागढ़ से दुर्ग की ओर रास्ते से आ रहा था और ये घटना हुई है। जिस तरीके से ट्रक ट्रेलर का ये टायर निकला, एक लिफ्टर होता है जिस पर जो वजन ज्यादा होने पर वो लिफ्टर को नीचे किया जाता है और वजन कम होने पर लिफ्टर को ऊपर किया जाता है, तो उसका जो जो टायर है वो निकल करके रास्ते पे चल रहे युवक से टकरा गया जो हिरदी गांव का रहने वाला है बोधन विश्वकर्मा। उसी घटना स्थल पे मौत हो गई और इतनी तेज रफ्तार थी ट्रक की और साथ में जो निकला टायर था जो युवक से टकराने के बाद सीधा फेंसिंग को तोड़ते हुए खेत में जा घुसा है। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और जिस तरीके से घटना हुई चक्का जाम कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हो गया है। हालांकि इसको दुर्घटना माना जा रहा है लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही अगर देखा जाए तो परिवहन विभाग की मानी जाएगी। जिस तरीके से फिटनेस जांच होती है और ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है, ये अनदेखी का नतीजा है। जिस तरीके से टायर जो है वो ट्रक से निकल करके जो युवक से टकराया है, बहुत बड़ी घटना है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और जो मौके पे पुलिस जांच कर रही है और जो कार्रवाई कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जानकारी पहुंचाने के लिए इस खबर पर। आकाश हमारे संवाददाता जुड़े, आकाश राव बता रहे हैं इस खबर पर। बेहद दुखद यह हादसा हुआ, जब ट्रक वहां से गुजर रहा था युवक भी वहां से गुजर रहा था और ट्रक से टायर निकला, वो टायर सीधा युवक को जाकर लगा और उसके बाद वो खेत में चला गया। युवक की इस टायर लगने से चूंकि गति काफी तेज थी, टायर का वजन भी काफी था, युवक की इसमें दुखद मौत हो गई।